अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यार प्यार व्यूअर्स को, मेरा प्यार प्यार अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं चिकन टिक्का खाने। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ बहुत ही फेमस चिकन टिक्का वाले हैं। इतने मतलब बड़ी उसका होटल नहीं है, बहुत अच्छा होटल नहीं है, जगह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका चिकन टिक्का कमाल का होता है। और ये हमारे घर के बाहर ही है, तो हमने सोचा चलो घर के खाने तो वैसे ही खाते रहते थे, क्यों ना आज हम लोग बाहर से खा लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जैसे आपके साथ तो हमारी बातचीत होती रहती है, तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत थैंक यू। और शाजिया का भी थैंक यू, जिसका जो मेरी सबसे पहले सब्सक्राइबर है, तो मैं सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मिलते हैं आपके साथ हम लोग चिकन टिक्का शॉप पे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चिकन टिक्का वाले के पास, और हमने अपने हिस्से का लगवा लिया है। शेफ साहब ने कहा आप भी खासा तैयार करें ताकि उस बेचारे की हेल्प हो जाएगी। तो हमने अपनी मर्ज़ी का लगवा लिया है चिकन लेग। हम लोगों ने लेग पीस नहीं लगवाते क्योंकि हमें लेग पीस नहीं पसंद, इसलिए हम लोग जब भी ऑर्डर करते हैं तो चेस्ट पीस का करते हैं। तो उसने हमने अपने जो दो चेस्ट पीस का ऑर्डर दे दिया है। तो अब साथ साथ बन रहे हैं, साथ साथ हम लोग देख भी रहे हैं, और मुँह में पानी भी आ रहा है कि कब तैयार होंगे। और बड़े ज़ोरदार मज़ेदार हमें भूख लग रही है, तो आप लोग भी देख लेंगे। और इतनी खुशबूएं फैली हुई हैं पूरी जगह पे। तो अभी भाई चटनी रखी गई है, और हिजाब को देख के हिजाब के मुंह में पानी आ गया क्योंकि हिजाब की चटनी फेवरेट है। तो अब हिजाब ने तो लेस को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देनी, और अब ये चटनी में फिंगर डिप कर करके तो खाएगी, क्योंकि मेरे हिस्से की चटनी तो हमेशा ये इसलिए ले लेनी होती है। मैं फिर शिव साहब से शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अब इसने बार बार फिंगर डिप खाई है। अब आप देखिए ये क्या कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा गर्म गर्म चस्ट पीस आ गए हैं, और हिजाब अपने चटनी को खा रही है। और शेव साहब से सब्र नहीं हो रहा, शेव साहब के लिए मैं पहले ही खा लूँ, लेकिन बहुत गर्म था इसलिए शेव साहब ने छोड़ दिया। तो अब हमारे गर्मा गर्म आ रहे हैं नान, क्योंकि नान तो मेरी फेवरेट है, और हिजाब ने नानों को देख के पहले ही हमला कर दिया है। और अब हिजाब जो है उसको बहुत नान पसंद है, तो वो शौक से खाती है नान। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हिजाब ने क्या किया, अपने नान का एक नवाला तोड़ के तो अब ये चटनी में डिप कर करके जायके लगा रही है। और इसको तो चटनी तो पसंद है कि जब तक ये जायका ना लगाए तो इससे सब्र ही नहीं होता। तो अब ये अपने नवाले डिप कर करके जो लास्ट वाला नवाला बच जाएगा तो वो उसने चटनी के अंदर ही फेंक देना है। हिजाब की फेवरेट चटनी। तो शेफ साहब ने तो अपने फिनिश कर दिए, और ये दादी मेरी अब अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही है, साथ साथ अपनी चटनी भी खाएगी। शेफ साहब तो वेट कर रहे हैं कि वो भाई आए, और मैंने तो अभी खाया ही नहीं। मैंने अपने हिस्से का, मैंने कहा बस मेरी बस हो गई थी, खा के थक गई थी। तो हम मैंने एक पार्सल लिया, बाकी मैंने अपना तो छोड़ दिया था, और शेफ साहब ने खा लिया। तो अब फाइनली हम लोग दोबारा बस खा के दोबारा निकल जाएंगे। बस सारा शेफ साहब ने खाया है, मैंने आधा ही खाया, मैंने अपना आधा पार्सल कर दिया क्योंकि मुझसे नहीं खाने हो रहा था। और शेफ साहब हंस रहे क्योंकि बस मेरा पेट फुल हो गया था, तो मैंने इनसे कहा मुझसे नहीं खाने होता। तो हिजाब अपना नान खा रही है, तो हिजाब को देखें ज़रा, ये ले ये ले। तो हिजाब को बहुत पसंद है नान, तो वो अपनी रोटी उठा उठा के खा रही है। जी मेरा रेबिट है छोटा सा, जी मेरा बहुत प्यारा रेबिट है, जी बहुत मज़े से खाना खाता होता है। हाँ जी, हाय करे, हाय। अब खा के लेट गई है, थक गई है, जैसे लोग खा के बड़े बंदा लेट जाता है इसी तरह इसका भी हाल है। और चटनी में डिप करके बाबा को खिला रही है। आप खाएं, चलें, चलो बाय बाय करें।
थैंक यू वीडियो को ना स्किप करते हुए हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास माहौल का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग को अगर कोई नया व्लॉग चाहिए या आप लोग को इस चीज़ पर व्लॉग बनाओ तो हम उस पर भी बनाएंगे। आप लोग कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग की मर्ज़ी का भी व्लॉग बनाएँ। और हमें खुशी होगी कि आप लोग अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। Thank you.